एलोवेरा बड़ा फेमस नाम है आजकल। मैं नहीं जानता था एलोवेरा होता क्या है। जब मैंने पिक्चर देखी मैं बोला ये तो रास्ते के दोनों तरफ इतने सारे झाड़ देखे हमने एलोवेरा के। तो आपने भी देखा होगा, हिंदी में इसका नाम है घृत कुमारी, हमारे मेडिकल नाम है एलोबार्बाडेंसिस। एलोवेरा हम जब छोटे में थे तब देखते थे और सोचते थे यार तो कांटे वाली कोई काम की नहीं है, पर अब पता चला है एलोवेरा बहुत काम की चीज है। इसकी जो जेल है वो बहुत सारे फायदा करता है, हमारा इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो आज इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं ये एलोवेरा जेल का क्या चक्कर है। चलिए पहले सोचते हैं एलोवेरा को हम लोग जेल निकालते कैसे हैं। इसका तीन पार्ट होता है एलोवेरा का। एक तो होता है उसका ग्रीन कलर का स्किन और उसी में वो कांटे लगे होते हैं, तो इसको हमारे उतने काम की चीज़ नहीं, कांटा तो फेंकना ही होता है। ग्रीन वाले को हम लोग काट लेते हैं, उसके अंदर जेल निकलती है और उसमें एक पीला पार्ट भी होता है जो लैटेक्स बोलते हैं इसको, वो हमारे काम की नहीं होती होती है, उसमें थोड़ा साइड इफेक्ट होता है। तो जब एलोवेरा जूस निकालते हैं, जेल निकालते हैं, तो उसकी छिलके को निकाल देते हैं और अंदर से जेल निकल के आती है, उसको स्टोर कर लेते हैं और धोने के बाद वो जो पीला पार्ट है वो भी निकल जाता है। तो ये हो गया एलोवेरा जेल। ये आजकल बहुत परिमाण में कंज्यूम किया जाता है और ऐसे दवाई कंज्यूम होने लग गई है जबकि हम लोग कांटे की पेड़ मानते थे इसको। चलिए अब एलोवेरा में होती क्या है, एलोवेरा जेल की बात करते हैं, इसमें होता क्या है। इसमें 95% होती है पानी, तो 5% उसमें सॉलिड होता है और उस सॉलिड में 20 तरह की एमिनो एसिड होती हैं और उसमें 6-7 एमिनो एसिड जो हमारे बहुत काम की चीज़ है वो भी इसमें होती है। इसमें दो ऐसी केमिकल होती है जो हमारे टी लिम्फोसाइट को बढ़ावा देता है, इसका नाम है एसीमेनोन एंड एलोवेरोस। ये दो ऐसी केमिकल है जिनको पॉलीसेकराइड बोलते हैं। ये हमारे टी लिम्फोसाइट जो हमारे बीमारी को फाइट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेल है, टी लिम्फोसाइट वो सेल्स को बढ़ावा देता है, उसका उसकी एक्शन को 50% डबल कर देता है। तो एज अ इम्यूनिटी एलोवेरा जेल का बड़ा रोल है कि हमारे बीमारी में वो बड़ा मदद करता है, बीमारी नहीं होने का पूरा बॉडी में रेजिस्टेंस पावर पैदा करता है। एलोवेरा में बहुत सारे फाइबर होता है वो हमारे काम में आ जाता है, सॉल्यूबल फाइबर होता है, वो दिखती नहीं है, सॉल्यूबल फाइबर होता है। एक इसमें जर्मेनियम करके चीज होता है वो भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होती है। एलोवेरा में कॉन्स्टिपेशन कब्जियत के केसेस में एलोवेरा यूज होती है। मैं आपको बता दूं एलोवेरा का आपको जेल बहुत कम मिलेगा, एलोवेरा का जूसेस मिलता है। तो जेल को पानी मिला के डाइल्यूट किया जाता है और आज देखेंगे 500 कंपनी एलोवेरा जूस बेचती है। और ये एलोवेरा जूस के बारे में ही हम इसलिए बता रहे हैं कि वही कंज्यूम होता है बाजार में, आपको आप खुद बनाएंगे तो बहुत मुश्किल है। तो एलोवेरा जूस आप खरीद सकते हैं, बस उसमें देख लीजिए कंसेंट्रेशन ठीक होनी चाहिए जेल का। तो एनीवे क्या क्या फायदा करता है, एक तो ये ग्लूकोज कम करने में फायदा करता है, ब्लड ग्लूकोज कम करता है एलोवेरा जूस। अगर डायबिटिक है तो एलोवेरा जूस का बहुत बड़ा फायदा। डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एसिडिटी जीआरडी में इसका बड़ा फायदा होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये बात मैंने पहले से आपको बोला है। इन्फ्लामेशन कम करता है। अच्छा, ये मॉइस्चराइजर के यूज में भी आती है, फेस में भी इसका एलोवेरा जेल को यूज किया जा सकता है। स्किन के ऑइंटमेंट ये एंटीबायोटिक का भी काम कर सकता है। माउथ वॉश में आप एलोवेरा जूस का माउथ वॉश भी यूज हो सकता है। तो ये काफी सारे जगह काम करता है। ये देखा गया है कि एलोवेरा खाली एक जगह में हम लोग ज्यादा यूज करना नहीं चाहते, जिनको लूज मोशन की प्रॉब्लम है उनको एलोवेरा जूस नहीं लेनी चाहिए, कोई को कोलाइटिस वगैरह है तो उसमें भी थोड़ा सारा हम लोग को ध्यान करके एलोवेरा लेना है। अदरवाइज एलोवेरा जूस काफी काम की चीज है, आप अपने घर पे बना सकते हो, अच्छी बात है, नहीं तो बाजार से खरीदें। कितना लेना चाहिए, आदमी बोलता है कितना लो, जूस 1 से 2 चम्मच पर डे लेंगे तो बहुत अच्छा। कैसे लें, देखिए आप ऐसे तो जूस को पानी में घोल के ग्लास में पी सकते हैं, ऐसे ही जूस को पी सकते हैं स्मूदी में, या आप उसको जूस के संग मिक्स करके पी सकते हैं। तो एलोवेरा जूस बहुत काम की चीज है और ये आप सबको बताएं। मैं एलोवेरा के बारे में आज बताने के लिए इसलिए राजी हुआ हूँ क्योंकि एलोवेरा आज हर कोई मेरे को पूछता है, सब एलोवेरा के बारे में आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है। तो एलोवेरा जूस आप जरूर लें, 1-2 चम्मच पर डे लेना चाहिए।
और आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट के बीमारी में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं बिना ऑपरेशन के, बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी के। तो कभी भी कोई हार्ट का मरीज मिले, उनको हम लोग के बारे में बताइए और उनका खान पीन रहन सहन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर जानकारी करें। हार्ट के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर सुनवाएं और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए हर के साथ। एलोवेरा जूस आप देखते ही, इसकी पिक्चर देखते ही आपको याद आ जाएगा, आपने कहीं ना कहीं इसकी पेड़ को देखा है। तो ये काम की पेड़ है, आजकल इसकी बड़ी खेती होती है। आप भी अगर किसान हैं तो एलोवेरा की जरूर खेती कीजिए और अपने घर पे यूज़ करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको। थैंक यू।